शुभकामना दे सकता हूँ, मूवी तो अच्छी होगी, बाकी कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते फिल्म के बारे में, पर फिल्म अच्छी होगी। ऑब्वियसली बात है कि रवि सिन्हा जी डायरेक्टर हैं और दुर्गा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेटअप है, राजकुमार पांडे जी का म्यूज़िक है, तो अपने आप में सारा प्रोजेक्ट ही जो है वो बड़ा अल्टीमेट है। तो सीधी सी बात है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, नाम भी बड़ा खूबसूरत और बड़ी हिट नाम है, बहुत ही चहकता हुआ सा नाम है रंगीला, जिस नाम में ही रंग हो तो उस फिल्म में कितने रंग होंगे, तो नो डाउट बहुत खूबसूरत फिल्म बनेगी और मुझे उम्मीद है और मेरी शुभकामना पूरी इस फिल्म के साथ है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छी फिल्में बन रही हैं और अच्छी फिल्में देखें, सीडी या मोबाइल पर ना देखें, सिनेमा हॉल पर देखें। हम फिल्में सिनेमा हॉल के लिए बनाते हैं, सीडी या टीवी या मोबाइल के लिए नहीं। 70 mm को आप 21 इंची और 24 इंची मत समेटिए, भोजपुरी आपके लिए बनती है, ज़रूर देखिए। एक्चुअली बड़ा शुभ दिन है ये, आज मेरी 4 फिल्मों का मुहूर्त है, तो मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ, मतलब मैंने फिर किसी से पूछा कि क्या वजह है, तो बोले वजह रक्षाबंधन नहीं है, वजह आज की तिथि बड़ी अच्छी है, आज का दिन बहुत शुभ है इस वजह से। और ऑब्वियसली बात है हमारे हिंदू धर्म में भी खासकर ये देखा गया है कि हर चीज़ तिथि और दिन के हिसाब से होती है, तो इतनी बड़ी फिल्म होती है, इतना पैसा लगता है, इतना खर्च होता है इसमें, ऑब्वियसली बात है कि गलत दिन नहीं चुनना चाहेंगे निर्माता, इसलिए इस फिल्म को चुना, इस दिन को चुना गया। संजय जी बात करें राम लखन की, तो बहुत आपके किरदार को लेकर बहुत सराहा जा रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। हाँ उसमें मैं मनोज टाइगर जी का बेटा बना हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस तो ऐसा नहीं था किरदार में, लेकिन जितनी भी ज़मीन मिली थी मैंने उसमें अच्छी खेती करने की कोशिश की है, और एक बिगड़ायल लड़का है, एक सरपंच का बेटा है जो बात कम करता है और लड़ता ज़्यादा है, उस एटीट्यूड को प्ले करना था, और सतीश जैन जैसा अच्छा डायरेक्टर जिन्होंने प्रॉपर कन्विंस किया करेक्टर को लेकर, उनकी ज़िद थी कि उस रोल को मैं ही करूँ, तो कोशिश की है मैंने, और उम्मीद है कि लोगों को, मतलब हाँ मैंने भी सुना कि लोगों को अच्छा लग रहा है वो करेक्टर, तो खुशी होती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक पारिवारिक फिल्म ये राम लखन थोड़ी एक अलग थी, हाँ बड़ा मुश्किल था, लेकिन दर्शकों ने बड़ा प्यार दिया इस फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैमिली ड्रामा तो हमेशा चलता है, लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा विद एक्शन, ये हिंदुस्तान में ऑलवेज चला है, क्योंकि अभी तक हम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो पाए, जिस दिन हम अलग हो गए, जिस दिन हम शहर के कल्चर में ढल जाएंगे पूरी तरीके से, उस दिन ये फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन जब तक ये कल्चर ये संस्कार हमारे अंदर हैं ऐसे सिनेमा चलते रहेंगे। थैंक यू।